आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में कोच जवान सिंह कुशवाहा, अजीत मावई, अंकित शब्बीर बलजीत के नेतृत्व में 50 छात्र छात्राओं का ग्रुप राजस्थान के जयपुर जिले में हुई प्रतियोगिताओं में शामिल हुआ। इस प्रतियोगिता में सभी जिलों के छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। इस नेशनल चैंपियन में सभी जिलों से आए हुए खिलाड़ी शामिल हुए, जिन्होंने नेशनल चैंपियन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। राजस्थान के जयपुर जिले में हुई नेशनल चैंपियन 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रदेशों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। ग्वालियर से 50 छात्र छात्राओं का ग्रुप आज शाम को प्रतियोगिता में इनाम जीतकर ग्वालियर अपने घर वापस लौटा और 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हुई नेशनल चैंपियन में कबड्डी, एथलेटिक्स सहित अन्य खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें भाग लेने वाले उत्कृष्ट पुरस्कार जीतने वालों को मेडल से सम्मानित किया गया। मेडल जीतकर लौटे हुए प्रतिभागियों ने अपने मन की बात हमारे चैनल के माध्यम से रखी। खिलाड़ियों ने बताया कि आज की जीत का पूरा श्रेय हमारे सभी कोच को जाता है। सर, आज किस प्रतियोगिता में आप ये अवार्ड मेडल? राष्ट्रीय नेशनल प्रतियोगिता हुई थी जयपुर में, जो 29 से 31 अक्टूबर तक आयोजित की गई। आज उसी से मेडल भी जीत लिया गया। कितने प्रतियोगी इसमें भाग लिए थे? प्रतियोगी इसमें 550 बच्चे आए थे, सभी राज्य से आए थे, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह से बच्चे आए थे। क्या उम्मीद थी आपको जब आप खेलने जा रहे थे? उम्मीद यही थी कि मैंने अच्छे लड़कों ने अच्छी तैयारी की थी और मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे उम्मीद थी कि मेरे बच्चे कबड्डी टीम और एथलेटिक मेरे अच्छे बच्चे थे, उन्होंने बहुत जोरदार मेहनत की वहाँ पर और यहाँ से प्रैक्टिस भी अच्छी, 2 महीने से उनकी अच्छी ज़बरदस्त मैंने उनको अच्छी तैयारी कराई थी और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और उन्होंने वहाँ पर जाकर मुझे एक अच्छी प्रतिभा दी और एक ट्रॉफी के लिए किसको श्रेय मानते हो? मैं इस ट्रॉफी को अपने बच्चों को मानता हूँ, जो इस ट्रॉफी के अंदर वो बच्चे हैं मेरे जिन्होंने ट्रॉफी घोषित की। और आगे किस लेवल पर खेलने के लिए ये बच्चे? अभी कबड्डी की टीम हमारा जो प्रदेश रहा, कबड्डी की हमारी टीम तीसरे स्थान पर रही। फर्स्ट पर राजस्थान था, सेकंड पर महाराष्ट्र, तीसरे पर मध्य प्रदेश रही। और जो जो कबड्डी की टीम है जो जीती है वो आगे उसका सिलेक्शन हुआ है नेपाल के लिए, जो 17 नवंबर से 23। क्या नाम आपका? क्या प्रतियोगिता में भाग लेके आया आप? क्या जीता है आपने? इस जीत का श्रेय किसको देना चाहोगे? अजीत सर। कितने समय से तैयारी कर रहे हो आप? 3 महीने। अन्य गर्ल्स के लिए कुछ खास मैसेज आज जीत के बाद में? मैं यही बोलना चाहती हूँ, मेरी तरह हर गर्ल्स अपने ऐसे भाग आगे बढ़ते रहे। नहीं, क्या नाम था? मेरा नाम जेके है, मैं सुबह से और मुझे स्पॉट खेलने रहा था, मुझे जवान से राउंड किया था, मैं खेलने गया और मैं लेके आया, 200 मीटर में जीता हूँ। मैं खेल के बारे में और कोच के बारे में क्या कहना चाहूँगा? जिनके तरह चाहूँगा कि मुझे उन्होंने बताया कि मेरा ये तो बुरा है, नाम सर किस खेल में आप? जेवलिन थ्रो। क्या होता है ये खेल, थोड़ा दर्शकों को बताइए। जेवलिन थ्रो में अपनी टेक्निक्स रहती है, हाथ स्टैंड रहता है, बाकी की पोजीशन ली जाती है, फ्रंट पोजीशन, तीन ग्रिप होती है इसमें, भाला फेंक के थे इसमें। कितने समय से तैयारी कर रहा है? अभी मेरे को ज़्यादा टाइम लगा, 25 दिन। 25 दिन हुए। 25 दिन में आपने अवार्ड जीता, इसका श्रेय किसको देना चाहते हो? इसका श्रेय सर अजीत सर को।